तो जी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और हमने कुछ फॉर्मूले किए थे यहाँ पे, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो आज हम करेंगे उनके न्यूमेरिकल, और ये वाले जो न्यूमेरिकल है बहुत ईजी है, बट पेपर में आते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लोगे तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस है आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है जी। जैसे नर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारा ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए जो क्वेश्चन करते हैं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0 एन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन इज 0.002 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है साहब, हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था लेमडा ई इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन, वहां पे सी लिखा था, सी को हमने कंसेंट्रेशन को हमने क्या किया, नॉर्मैलिटी के टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो चलिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें कापा गिवन है, ठीक है जी, कापा हमें कितना गिवन है, 0.002 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने हमें नॉर्मैलिटी दी हुई है 0.05 एन, राइट, क्लियर है जी। तो अब हम क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं, और वहां पे फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू कापा की वैल्यू कितनी है जी, 0.002 इंटू 1000 अपॉन एन, वहां पे 0.05। अब ये कितना आ जाएगा जी, 2 अपॉन 0.05, इसको हम 100 डेसिमल हटा देते हैं, 20, तो जी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंस माइनस वन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाए, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल वैल्यूज पुट की हुई है, जस्ट निकालना है और निकालना है, कोई टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.05 एम, ये आईसीएसई बोर्ड में आया था 2014 में, क्वेश्चन है 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ohms इन अ कंडक्टिविटी सेल एट 298 केल्विन। मैंने आपको बताए थे कंडक्टिविटी सेल, उसकी इमेज बना के बताए थे ना, जो हमें हेल्प कर रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, हमने उसे कनेक्ट किया था। इफ द सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड आउट स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, राइट, क्लियर है जी। तो एक एक करके हम यहाँ पे चीजें निकालेंगे, हमें दो चीजें निकालनी है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस और दूसरी निकालनी है हमें मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी। ये मैंने गलत कर दिया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दो बारी लिख दिया। चलिए जी हम पहले निकालते हैं, अब लेमडा एम निकालना है, लेमडा एम बाद में निकालते हैं, मोलर गन, ठीक है ना, क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है आर 31.6 ohms, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, जी स्टार हमें गिवन है, इसको हम एल अपॉन ए भी बोलते थे, विच इज 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो हमें क्या निकालना है, कापा, कापा क्या होता था, कापा इज इक्वल टू जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो लास्ट क्लास लेक्चर के लास्ट में मैंने लिखवाया था ये चीज आपको,
फॉर्मूले लिखवाए थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, राइट। अब कंडक्टेंस नहीं है, कंडक्टेंस की जगह हम क्या करते हैं, वन अपॉन आर लिख लेते हैं, है ना, वन अपॉन रेजिस्टेंस कर देते हैं, तो भी बात बन जाएगी। इन टू सेल कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो कापा विल बी इक्वल टू वन अपॉन 31.6 इन टू 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या थे ओम्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड दिस विल बी 0.367 डिवाइडेड बाय 31.6, 0.0116, ठीक है जी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स याद आएगा। सो कापा की वैल्यू तो ये आ गई जी। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन सी, कापा की वैल्यू 0.0116 इनटू 1000 अपॉन सी। अब मोलर कंडक्टेंस में हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे नॉर्मोलैरिटी, बट हमें क्या दिया हुआ, मोलैरिटी गिवन है यार 0.05, ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11.6 अपॉन 5 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 1160 अपॉन 5, 5 टू द 10, 5 थ्री द 15, 5 कितना आ जाएगा जी 232, इसके यूनिट्स लिख लेते हैं हम बस। यहाँ पे क्या यूनिट्स होते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट्स इट, ये हमारे आ गया मोलर कंडक्टेंस। देखो चीजें सब गिवन थी, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इस क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो, नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम सोल्यूशन ऑफ KCl एट 43 डिग्री सी वॉज 1005 ओम्स, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा निकालना है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम निकालना है, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो चलिए खुद से इसको सॉल्व करिए, राइट, जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसे सॉल्व करिए। तो जी देखो यहाँ पे हम पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉरी। तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है, आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1005 ओम्स, ठीक है, तो कंडक्टेंस सी निकालते हैं, सी विल बी इक्वल टू 1/r और विच इज इक्वल टू 1/1005 और उसके बाद आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टेंस इन टू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी है, सब कुछ है हमारे पास, जस्ट चेंज करना है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1.25/1005, तो इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स टू बी 1.244
इंटू 10^-3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट्स ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी है, बस वो उसके यूनिट्स को आपने ध्यान रखना है। देखो रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या थे, ओम इनवर्स थे, यहाँ पे क्या थे, सेंटीमीटर इनवर्स थे। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसमें कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट तो हमारा हो गया, उसके बाद बी पार्ट में हमें क्या दिया, मोलर कंडक्टेंस। नाउ लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कापा इंटू 1000 बाय सी, सी इज द मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी कुछ भी जो गिवन हुआ। तो यहाँ पे कापा की वैल्यू कितनी है जी, 1.244 × 10^-3 × 10^3 अपॉन सी। कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है भैया, ये जी 7.5 × 10^-3 m। ठीक है जी, अब इसके आप यूनिट्स भी चेक खोल सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको यूनिट्स पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये थे, ये हो गया ओम इनवर्स और ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 10^3, उसके तो कोई यूनिट्स आने वाले नहीं है। अब मोल्स थे, मोलारिटी थी, तो ये क्या होता है, मोल्स पर लीटर। अब मोल्स तो ठीक है भैया, लीटर, लीटर क्या है, लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है जी, बताएगा कोई, वो होता है 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, लेट से मैंने कोई भी यूनिट चेंज नहीं किए, एज इट इज यहाँ पे रखा और निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 10^-3, ये 10^-3 गया, आएगा क्या, 1244/7.5 ओम इनवर्स। ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, और यहाँ पे मोल नीचे था, ये आ जाएगा मोल इनवर्स। इसको डिवाइड कर लोगे, इसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है, अब ये शायद निकाला था हमने 165.9 है ना, 1244/7.5 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 165.8667 ले लिया हमने। ठीक है, यूनिट्स ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वेयर और मोल इनवर्स, दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखो अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चीजें हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 10^3 हमने कब लगाना है, जब हमारे पास यूनिट्स क्या है, लीटर्स में गिवन होंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये सेंटीमीटर में लिया तो ये 10^3 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पे लिख रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, 10^3 आएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, फिर से बात सेम आ जाएगी। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स का ध्यान रखना है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल ऑफ फील्ड फील्ड विद 0.01 m, KCL is 100 ohms. Resistance given है जी हमें 100 ohms. ठीक है जी? Of the same, if this resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCL solution is 520 ohms. मतलब एक बारी रेजिस्टेंस हमने ये डाला है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितना था इसका, 0.1 m. जब हमने इसका कंसेंट्रेशन चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 0.02 m, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया भैया हमारा 520 ohms. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, अब हमें इसका कापा भी निकालना है और लैम्डा m भी निकालना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो ये सेल तो मेरे को पता था, इस सेल के लिए निकालना है क्योंकि इसने बोला ना
कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी टू फाइंड. अब जब हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हमारे कंडक्टिविटी सेल होते हैं उसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, एरिया है वो फिक्स है, मतलब जो सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी. तो हम यहां से क्या निकालेंगे जी? हाँ जी, यहां से हम क्या निकालेंगे? सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमें कापा की वैल्यू गिवन है. कापा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.29 × 10⁻²⁻². चलिए, नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट. सेल कॉन्स्टेंट उठा लेते हैं हम, जी स्टार. नाउ जी स्टार विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? सेल कॉन्स्टेंट कापा इंटू आर. कापा की वैल्यू है 1.29 × 10⁻²⁻². इंटू रेजिस्टेंस है 100 ओम. इट कम्स टू बी 1.29 यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है जी, देखो इसके यूनिट्स आने थे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पे आने थे ओम, ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा, हो गया. तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया जी. ठीक है जी, तो अब क्या रहना है? जी स्टार तो दोनों केसेस में सेम है. अब हम क्या करेंगे? इस सेल के लिए कंडक्टिविटी निकालेंगे. ठीक है जी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 mKcl सॉल्यूशन. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r इंटू सेल कांस्टेंट. r की वैल्यू मालूम है हमें, 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट कितना है? 1.29. ये था सेंटीमीटर इनवर्स और ये था ओम. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम. 1.29 डिवाइडेड बाय 520, 0.248077. 1.29 डिवाइडेड बाय 520 इट विल बी 1.23 × 10⁻³⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये तो आ गया जी कापा की वैल्यू. ए पार्ट तो निकल गया. सेकंड में वो क्या बोल रहा है? लैम्डा एम निकालो, मोलर कंडक्टिविटी है ना. लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000/c. ठीक है जी, यहाँ पे 1000 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है? सेंटीमीटर में. तो इसे 1000 से रहने देते हैं. यार रहने दो यार, 1000 से ही लिख करेंगे हम ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो. कापा की वैल्यू कितनी है जी? कापा की वैल्यू आई है 2.48 × 10⁻³⁻³ × 10⁻³³ अपॉन सी कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन देखो भैया कितनी दी हुई है हमें, 0.02 m निकालना तो है. ये रहा 0.02 m, 0.02. चलिए निकालें इसे. यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, कितना आ गया? 248/2 डेसिमल हटा दी मैंने, 124. अब देखो लैम्डा एम था, यूनिट्स लर्न कर लो इसके क्या होते हैं. ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, खत्म. दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है ये. ठीक है, तो आपने करना क्या है इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना यार, कुछ नहीं है. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ
electrolytic conductivity of 0.30 m solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 × 10^2 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. चलिए, ये CBSE दिल्ली 2006 में आया था. अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस, ये दिया हुआ है कापा 3.72 × 10^2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. सी की वैल्यू कंसंट्रेशन और एम 0.30 m मोलर कंडक्टिविटी, सब कुछ तो गिवन है. दिस वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा. लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इन 2000 बाय सी. भैया मैं कहीं 10^3 लिख रहा हूँ, मतलब उसका 1000 मतलब होता है 3.72 × 10^2 यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, -2 है, मैंने क्वेश्चन बाद में किया हुआ. -2 upon c 0.3 × 10^3 तो ये कितना आएगा 37.2 upon 0.3. तो ये आएगा 372 upon 3. दिस इज 3 × 3 = 6 124. So lambda m will be equal to 124. यहाँ पे यूनिट से सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. दिस विल बी द आंसर, राइट? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाने हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 marks में क्वेश्चन आते हैं. The electrical conductance the electrical resistance of a column of 0.05 moles per liter NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55 × 10^3 ohm. Calculate its resistivity. Conductivity and molar conductivity. राइट, ये चीज हमें दी हुई. अब चलिए ट्राई करिए, जिसके बीच ट्राई. एम हमें गिवन है, मोलारिटी और कंसंट्रेशन कुछ भी. 0.05 m मोल्स पर लीटर, ठीक है जी. यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है,
डायमीटर से हम क्या करेंगे, इसके एरिया निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस आर के बना मैं 5.55 × 10³ ohms, राइट। लेंथ हमें गिवन है 50, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिलेंड्रिकल है ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास क्या है, डायमीटर है, आर हम निकाल लेंगे इसका। आर कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, पाई इज 3.14 इंटू आर, आर हो जाएगा 0.5 होल स्क्वायर, 3.14 × 0.5 × 0.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा ये, इसका हाफ हो जाएगा, उसका हाफ कर दो, हाफ का हाफ कर देते हैं, 3.14। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसे 1/2, इसे 1/2 कर दो, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1.57 × 1/2, कितना आ जाएगा ये 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। एल भी है हमारे पास, एल दिया हुआ है 50 ओम। अब इन्होंने बोला कि रेजिस्टिविटी निकालिए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला था, कभी देखो कंफ्यूज हो जाए, या आर इज इक्वल टू क्या होता था, रो इंटू एल अपॉन ए। नाउ हमें तो ये निकालने का है, तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें गिवन है 5.55 × 10³ × 0.785 / 50, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करते हैं तो भैया कुछ वैल्यू आ जाती हैं, 5.55 × 0.785 / 50, 87.135। अब हमें करना क्या है, कंडक्टिविटी निकालनी है ना, कापा, कापा निकालने के लिए क्या होता है, कापा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये किसके बराबर होता है, 1/ρ के, 1/resistance, तो ये आ जाएगा 1/87.135 which is equal to 1/(1.14 × 10⁻²) ohm inverse centimeter inverse। हाँ बिल्कुल सही, पलट मैंने सर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 0.0 नहीं आ रहा बेटा, पलट 0.00 नहीं आएगा, 0.0 आएगा, 1.0 आएगा, मैंने कैलकुलेटर से किया ना, थोड़ा सी गड़बड़ कर दिया अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस है ना, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। नाउ लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी, राइट। कापा की वैल्यू है हमारी, कहाँ गया कापा, ये रहा 1.14 × 10⁻²× 10³ / c, राइट।
सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0.05, ये यहाँ पे लिखी हुई है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 11.4 upon 0.05, तो 1140/5 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 2 2 4 जाएगा यहाँ पे, है ना। फोर एट फाइव एट 40 है ना, 2 2 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। अब भाई ने इसने क्या किया हुआ है आंसर में, उन्होंने इसे 3 decimal तक लिया हुआ है, तो हमने 2 decimal तक लिया था तो हमारा आंसर ये आ रहा था, उन्होंने 481.148 लिया था, तो उसकी वजह से उनका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो ये सब कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, है ना। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, राइट। ठीक है जी, बाकी असाइनमेंट मैं आपको भेज दे रहा हूँ।